गुड इवनिंग एवरीवन, आप देख रहे हैं साइकिल सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी, डॉक्टर कर्षिका जैन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 6:30 बजे फेसबुक पर लाइव होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल कॉजेज इन हेल्थ एंड डिसीजेस। देखिए, हमारा जो समाज है वो सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है और उन पर कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं और उन इफेक्ट्स की वजह से हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं सबको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स एंड हाउ दे इफेक्ट आवर हेल्थ। देखिए, पहली चीज तो मैं हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं। हेल्थ एक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इनका एडमिक्स है। एनाटॉमी तो हर एक की डिफरेंट है जी। फिजियोलॉजी इन्फेक्शंस के साथ या बीमारियों के साथ डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको डॉक्टर ट्राइब करते हैं नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। एंड साइकोलॉजी उसको सबको मॉडिफाई कर देती है, जो आपके फॉल्स बिलीव्स हैं ये सोच रहे हो तो उससे कुछ डिसीज का आउटकम। अब पता चला कि आपको मैंने इनहेलर लिखे आपके बच्चे के लिए, आपने कैसे तो आदत पड़ जाएगी एंड यू हैव स्टॉप्ड द मेडिसिन। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं। आपने उसको इनहेलर, जो एक अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा डिस्कशन करके शुरू करा था, आपने वो बंद कर दिया, उससे उसकी डिसीज ब्रिटल हो गई। ब्रिटल का मतलब बहुत अप्स एंड डाउन वाली हो गई और हो सकता है वो और लंबा समय ले ठीक होने में। आपको लगता है टेम्परेरी सही हो गया और उसके बाद वो दोबारा बच्चा बीमार हो जाए तो बहुत हॉस्पिटल के अंदर MRI लग जाएगा, CT स्कैन लग जाएगा, अल्ट्रासाउंड लग जाएगा, तो उससे हमारी हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं हो जाएगी। वो तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको फाइंड आउट जल्दी कर नहीं नहीं देखिए वो बात की बात है। आप कब हेल्थ को कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, कितने आप प्रोएक्टिव हैं और कब आप उस सुविधा को अवेल कर रहे हैं जी। आज गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आशा के रूप में, घर घर जाके वो डिलीवरी के लिए जो लोग उन्हें ऑप्ट करते हैं वहां से वो उन्हें एम्बुलेंस के जरिए या कार के जरिए शिफ्ट कर लेते हैं पेशेंट को और डिलीवरी कराने में बहुत मदद करते हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। बट इट ऑल डिपेंड्स। अब ये नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी के समय ही आप उन्हें कॉल करें, अगर आपने पूरे 9 महीने सोते रहे आप तो वो आउटकम नहीं होगा आपका जी। तो सोशल फैक्टर्स बहुत सारे हैं उसमें, जैसे उनके अपने कल्चरल बिलीव्स हैं कि हमारे यहाँ तो डिलीवरी घर पे ही हो जाती है और खाने में कुछ उनके सोशल बिलीव्स हैं, कोई पत्ता बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इतना मल्टीफैक्टोरियल है। आप इन जनरल देखें जो एजुकेशन है हमारी और जो हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हमारे डिसीज के आउटकम को प्रभावित कर देगा। जैसे एक रिच आदमी थोड़ा सा ज्यादा ओरिएंटेड होगा और बीमारी के प्रति जल्दी से हेल्प को सीक करेगा, या ऐसा ही मतलब किसी भी चीज को ऐसे इग्नोर नहीं करेगा। हालांकि बहुत सारे लोग जो जब एक एज की तरफ चलते हैं तो अपनी शुगर ही चेक नहीं कराते कि मैं बेकार के चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ जी। अगर शुगर पता चल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब भाई एक बात समझो इसे दूसरे तरीके से, और मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत समझदार लोग ऐसे कहते हैं मैं बेकार के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं टेस्ट नहीं कराता। भाई टेस्ट तब कराओगे जब आप कटे वृक्ष की तरह गिरोगे या कोई और प्रॉब्लम ले लोगे। शुगर टेस्ट कराने में पीरियडिकली क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ना, हमारे सोशल बिलीव्स, हमारा फ्रेंड सर्किल क्या है, वो फ्रेंड सर्किल कैसे सोचता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे यंग है, छोटा है, मैंने उसका भी लिपिड प्रोफाइल करा दिया। अब उसके लिपिड प्रोफाइल के अंदर उसके ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ाए, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ है क्योंकि उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वो चलता फिरता सब एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, सब कुछ बढ़िया है। बट मैंने उसे समझाया भाई तुम जो है इसके लिए कुछ कि सिर्फ तुम डाइट से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इट इज बेटर कि ये सब तुम्हारी कॉर्नरीज के अंदर जमा हो और आज से 10 15 12 साल बाद तुम बीमार हो जाओ। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को मिलो, उनसे उनकी राय लो। वो मिले कार्डियोलॉजिस्ट से, उन्होंने कहा आपको स्टैटिन लेने, बस जो भी इस समय का बिलीव है डॉक्टरों का वो आपको फॉलो करना। तो इसमें सोशल फैक्टर, आपका फ्रेंड कौन है ये बहुत डिपेंड करता है। अब आपका फ्रेंड आपको उल्टी एडवाइस दे दे कि दो पैक रोज लो, इससे कॉर्नरी साफ रहेगी और लाइक दैट, तो इससे मतलब ये जो सोशल फैक्टर्स हैं ये बहुत जबरदस्त रूप से हमारी हेल्थ और डिसीज को अफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो इंजेक्शन ही नहीं लगवाती, वैक्सीनेशन ही नहीं लगवाती जी।
जबकि जैसे जब हम पढ़ते थे डिप्थीरिया जो कि एक पीएससी पे डीपीटी का इंजेक्शन सब जगह फ्री लगता है, मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और वो बहुत इफेक्टिव भी है, बट बहुत सारे बच्चे हम पे ऑलमोस्ट महीने में एक दो बच्चे डिप्थीरिया के टकरा जाते हैं या डिप्थीरिया लाइक इलनेस के टकरा जाते हैं, उन्हें टीके नहीं लगे हुए, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं, पता ही नहीं, बस आप जिससे पूछोगे उनसे, जिनका खासकर जिनका सोशल जो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जो पिरामिड के अंदर नीचे की साइड में है, वो फट से कह देंगे सारे टीके लगे हुए, कौन से लगे हुए ये नहीं पता। तो ये मतलब जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे एक मदर एंड चाइल्ड इंडेक्स होता है किसी भी कंट्री का, जो नॉर्वे है, स्वीडन है, उन सबके ना मदर एंड चाइल्ड इंडेक्स इवन अमेरिका से भी बेटर है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी कैसे मूव करती है, कैसे सोचती है, उससे डिसीज एंड हेल्थ डिसाइड होती है, ना कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी से। जी। आप टूट फूट के पहुंचोगे तो जहां जैसा ट्रीटमेंट होगा, बट क्वेश्चन ये कि आप ऐसी स्टेज में पहुंचो ही क्यों, क्यों नहीं आपकी स्ट्रीट लाइट, मान लो सपोज स्ट्रीट लाइट नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि आज से 5-6 साल पहले मैं एक बहुत अच्छी कॉलोनी से निकल के मवाना रोड पे आ रहा था और उस दिन कोहरा आ गया एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी लाइट नहीं जली हुई थी, सब लाइट बंद थी, रिजल्ट मेरा एक्सीडेंट हो गया, जबकि मैं बहुत धीमे चला रहा था, कोई तेज नहीं चला रहा था, बट कुछ दिख ही नहीं रहा था, कहीं लाइट ही नहीं थी। तो अब ये आपका जो सोशल, जो आपका जो ओवरऑल फैसिलिटीज है, उसने आपकी डिसीज को, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर दिया। इस तरह बहुत सारे फैक्टर हैं, आप इनेमरस आप उसके एग्जांपल देते हैं। इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि हम भले ही एजुकेट मतलब एजुकेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार हैं कि हमारे तो ये बिलीव्स हैं ही, हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया भी कि प्रेग्नेंट लेडी को लेकर बहुत सारे बिलीफ हैं जो रूरल एरियाज में पाए जाते हैं और लोग उनसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, जिसका कई बार वो शिकार भी हो जाते हैं कि मदर्स के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, बच्चों के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। मैम, इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी कि सोशल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे सर ने हेल्थ की डेफिनेशन बताई बहुत अच्छी तरह से, उसमें थोड़ा सा अभी एक और एडिशन हो गया है, उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ को भी जोड़ दिया गया है। तो आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की जो अब नई डेफिनेशन सामने आ रही है, तो सोशल फैक्टर्स जो है डाउटली बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे। जैसे सबसे पहले तो आपकी सोच ही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, जो मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास की है, बट उनका थॉट प्रोसेस रहता है कि भाई अपने आप को फिट रखने के लिए जो अपना पैसा है वो अच्छे खाने पे जो है ना हम स्पेंड करेंगे, वो अपने पहनने में, आने जाने घूमने में कटौती कर लेंगे, बट बढ़िया खाएंगे, ताज़ा खाएंगे, फल खाएंगे, उसमें मेवे भी खाएंगे वो। तो ऑल तो उनकी इनकम उतनी नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि शरीर को और मन को स्वस्थ रखना है, तो वो अपना पैसा उधर खर्च करेंगे। जैसे सर भी बता रहे थे कि आपका फ्रेंड सर्कल या आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, या आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी के साथ साथ जैसे आपका जो वर्क प्लेस है, क्योंकि दिन भर बंदा कोई भी काम करता है, औरतें घर में ज्यादातर काम करती हैं, या वो भी आजकल बहुत वर्किंग है, या आदमी जहाँ भी काम करते हैं, बच्चा जैसे स्कूल में, उसको एक स्ट्रेस अमाउंट भी है जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और हमारी ओवरऑल ग्रोथ को बहुत ज्यादा हार्म करता है। दूसरा, आपकी कुछ हैबिट्स, आप कितना नेचर से जुड़े रहते हैं। जैसे अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, तो उसमें कुछ टॉप क्लास एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का वो था कि इन लोगों की मौत कैंसर से या किसी और भयानक बीमारी से हुई है, ठीक है, और ऑल्दो उनके पास इतने पैसे थे और उनके डाइट भी डाइटिशियन प्लान करता था, लग्जरी में रहते थे वो, बट इस सब में क्या हुआ, वो अपनी नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, मतलब नेचर के ही करीब नहीं रह पाए, बाकी फैंसी चीजों में उलझ के रह गए। तो बहुत ज्यादा फैंसी लाइफ भी जो आज हमारे स्टेटस मेंटेन करने की जो होड़ है सबके अंदर, कि चाहे आपकी कैपेसिटी हो या ना हो, बट आप ना एक फैंसी लाइफ को जीना चाहते हैं, इस चक्कर में ना आप सुबह उठकर जाना चाहते हैं कहीं, ना आप जो है ना वो नेचर ने जो फूड दिया है वो खाना चाहते हैं, ना आप अपना हाथ पर हिलाना चाहते हैं, ना आप सोशलाइजिंग मतलब घर के लोग एक साथ बैठकर हंसना बोलना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रयास मतलब एक सामाजिक रूप से या आपके परिवार के रूप में नहीं किया जा रहा है जिससे कि आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हील रहे।
बहुत से लोग आपको शरीर में देखने में स्वस्थ लगेंगे बट जब उनसे बात की जाए तो मानसिक तौर पर उतने स्वस्थ नहीं होते हैं और स्पिरिचुअल हेल्थ तो उनकी बिल्कुल ही डाउन लेवल पे होती है। उन ऐसा एक मिथ है, लगता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करेंगे 50-60 के हो जाए, जब उससे पहले तो सोचते हैं कि अरे लाइफ जीनी है हम स्पिरिचुअल, ये बहुत जरूरी है कि अगर एक बच्चे को, छोटे बच्चे को आप 3 साल की उम्र से ही ये सारी आदतें डाल दो, क्योंकि बच्चों की मेडिटेशन की टेक्निक्स, ब्रीदिंग की टेक्निक्स बिल्कुल अलग होती है, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अपने आप अच्छी रहेगी और क्योंकि उसका माइंडसेट इतना लाजवाब होगा, उसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत शानदार होगी, तो वो अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखेगा। जैसे मैं अपनी डॉटर का एग्जाम्पल देती हूँ, अभी वो 10.5 साल की है बट वो इतना बैलेंस डाइट लेती है, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखती है, बहुत एक्टिव रहती है। अब एक बात बताइए, जैसे अभी उसे ट्रिप पे जाना था और उससे 4-5 दिन पहले मैंने उसे ऐसे ही टटोलने के लिए बोला कि ठीक है शाम को मम्मी आएगी और बाहर से ही मम्मी जैसी हॉर्न बजाएगी, आप आ जाना, हम पिज्जा खाने चलेंगे। तो बोलती है मम्मा 5 दिन बाद मुझे जो है ना ट्रिप पर जाना है, वहां पर भी जंक हो जाएगा और मैं अभी भी जंक खाऊंगी तो फिर मेरा ना वो डाइट साला बिगड़ जाएगा। आप ये देखिए 10-10.5 साल का बच्चा एक इतना अच्छा उसका थॉट प्रोसेस है आज अपनी हेल्थ को लेकर और हर चीज में। तो हमारी जो सोच है और जो हमारा एनवायरनमेंट है बेसिकली, मतलब सोच भी तो एनवायरनमेंट से और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बनती है। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो सोशल फैक्टर्स कुछ भी हो आपको इन्फ्लुएंस तो करेंगे बट आप ना एक ट्रांसपेरेंट वॉल अपने आसपास क्रिएट कर सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज आएगी, इन्फ्लुएंस आएगा जो आपको खराब कर सकता है, तो आप इजीली अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो वो चीजें हमें ध्यान भी रखनी होंगी कि अगर हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी बहुत जरूरी है। हर बंदा ना, जो लोग अब बड़े हो चुके हैं तो वो तो कॉन्शियस प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को बदल ही सकते हैं। सिर्फ आदत को बदलना है, आपकी हेल्थ बदल जाएगी। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कुछ वार्निंग साइन दिया कि भाई आपकी बॉडी है आपको सिग्नल देगी, कोई भी इमारत एकदम नहीं गिरती है, वो दरारों के रूप में संकेत देती है, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी, जैसे आपकी कहीं पर दर्द बैठ गया है या आपको जो भी डिजीज है उसके कुछ सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स, अगर आपने उन्हें पकड़कर और अपने डॉक्टर की बात मानी या आपने खुद अवेयरनेस से अपनी हैबिट चेंज कर ली, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाते हैं, आपने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, आपने उन हैबिट्स को छोड़ दिया और कुछ अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट कर ली, तो सारा हैबिट चेंज करते ही हैबिट पैटर्न जैसे चेंज होगा आपकी हेल्थ चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो। तो जो लोग बड़े हो गए हैं वो कॉन्शियस एफर्ट्स डालकर अपने आप को हील कर सकते हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं, जो भी नन्ही पौध है, तो आप ये देखिए कि नींव मजबूत भर दीजिए, जितनी नींव मजबूत होगी ऊपर के माले उतने बढ़िया होंगे, उम्र बढ़ेगी उस हिसाब से आप बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। इसलिए भी आते थे कि एग्जामिनेशन करके मैं उन्हें बताऊं कि कोई उनके साथ कोई अनहेल्दी चीज है नहीं है या उन्हें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। जो लोग सिर्फ दवाई लिखवाने नहीं आते डॉक्टर के पास, जो डिस्कस करने आते हैं, बात को समझने आते हैं, अदरवाइज एक जनरल कंसेंसस ये कि दवाई लिखवाओ बस खत्म, दवाई खा लीजिए और आपका इलाज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं सबको समझाता भी हूँ, सेल्फ पॉजिटिव टॉक। आप अपने आप से अपने बच्चों को पॉजिटिव टॉक करना सिखाएं, जैसे किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को खुश महसूस करें, अच्छा समझें, अब इनफीरियर ना, आप क्या लर्न कर रहे हैं, उनकी क्या बिलीव्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं, वो अल्टीमेटली हेल्थ एंड डिसीज को प्रोवाइड मॉडिफाई करती है, ना कि हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो तो बहुत बात की चीज है। हेल्थ फैसिलिटीज मतलब ये नहीं कि अगर हम अपने आप को पहले स्तर पर सुधार लेंगे, जब हमें बीमारी ही नहीं होगी तो हमें उन मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत भी नहीं होगी। बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई किसी बच्चे को मीजल्स हो रही है, डिप्थीरिया हो रहा है, और जो कि प्रिवेंटेबल है, इवन हेपेटाइटिस ए है, एक एक बच्चे हैं बट हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन नहीं लगा हुआ उनको जी। और अक्सर हम पे बहुत खराब जॉन्डिस होके रेफर्ड बच्चे आते हैं और उन्हें हेपेटाइटिस ए निकलता है, तो मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि ये वैक्सीन ही नहीं, किसी ने बताई नहीं रखी, मतलब बताई भी होगी तो डॉक्टर पे ध्यान नहीं दिया होगा उस समय खर्चे की वजह से या जो भी उनकी एक मेंटल मेकअप है, तो वो सब आप सोचिए अगर उसको हेपेटाइटिस ए ना हो तो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट, और कितना पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो बहुत सारी बीमारी तो प्रिवेंटेबल है, अब उसमें फैसिलिटी क्या करेगी, जब हेपेटाइटिस हुई नहीं बिल्कुल, तो फिर आप आपके एक्स्ट्रा फैसिलिटी की जरूरत है, किसी भी तरीके की जरूरत फिर नहीं होगी। हाँ। क्योंकि सोशल फैक्टर्स में भी जैसे कि आपने पहले भी बताया कि हमारे कुछ बिलीव्स हैं, हम लोग हॉस्पिटल तक इन स्टार्टिंग, जैसे अगर हम, मैं सिर्फ रूरल एरियाज की अगर यहाँ पे बात करूँ, जो इंटीरियर रूरल एरियाज हैं उनमें ये बिलीफ है कि नहीं हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर पे ही डिलीवरी होगी, या बच्चे को थोड़ा सा कोई बीमारी हो गई है या कुछ भी हो गया तो बोलेंगे नहीं डॉक्टर नहीं, हम घर में इनको यही
जड़ी बूटी खिला देते हैं, तो क्या इन सब का इफेक्ट जो है वो बॉडी पर किस तरीके से? जड़ी बूटी खिलाना या आपके कुछ बिलीव्स होना कोई गलत बात नहीं है, बट बात ये है कि आप जो भी फॉलो करें कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर हाइजीन को करें। आप एक जड़ी बूटी भी बना रहे हैं अगर किसी बर्तन में, तो पहले उस बर्तन को ही साफ करना बहुत जरूरी है, आपके हाथ साफ होने जरूरी है, आपका माइंड सेट होना जरूरी है, तो वो चीज भी आप पर असर कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर की दवाई ही आपको हील करेगी, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम, आपकी जड़ी बूटियां, आपके देसी नुस्खे भी आपको ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आप उनको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे ही फैक्टर्स हैं, जैसे एक हाइजीन एक बहुत बड़ा वो है कि वो उसमें मतलब फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट करता ही करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। मान लीजिए आप 4 दिन तक नहीं नहाते हैं, या आप कोई भी आपकी हैबिट है, आप लाइटें खुली छोड़ देते हैं, या आप कोई भी चीज वेस्ट करते हैं, तो माइंड भी तो प्रोग्राम होता है ना कि वेस्टेज इज नॉर्मल। तो आप क्या है, हर चीज को ही फिर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे, मनी वेस्ट करना शुरू कर देंगे, अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना शुरू कर देंगे, इमोशंस वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो फिजिकल का मेंटल पर, मेंटल का स्पिरिचुअल पर, मतलब ये सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है। तो आप जब हर डायमेंशन पर जो है ना आपका माइंड सेट है, तभी जाकर आप परफेक्टली हेल्दी हो सकते हैं। और दूसरा, जैसे सर भी कह रहे थे कि बच्चे जो दादी नानी या जो घर में बड़े हैं उनको करते हैं, अगर आपको अपनी आने वाली जनरेशन, जो आपकी जिससे छोटी वाली जनरेशन, उसको अच्छा बनाना है, तो पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपनी हाइजीन हैबिट्स को, अपनी बाकी सारी चीजों को सुधारना है। जैसे आजकल ड्रिंक्स का बड़ा कल्चर है, बच्चा देख रहा है माँ बाप दोनों ही ड्रिंक कर रहे हैं, आप कैसे उसे बोल सकते हैं कि बेटा ये अनहेल्दी है, इसको आप करोगे तो आपको कल को किडनी, लिवर, ये वो खराब हो जाएगा, वो ही नहीं पड़ेगा। आपको अपनी हैबिट्स, हेल्थ चाहे वो किसी भी लेवल की हो, सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही उससे हैबिट से चेंज हो सकती है, वही कि जो चीजें हम कर रहे हैं फिर हमारे बच्चे भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। अब जैसे और सोशल फैक्टर है, हाउसिंग है फॉर एग्जांपल, अब हाउसिंग के साथ आपका टॉयलेट भी लिंक्ड है। अभी जैसे ड्राइव चली टॉयलेट्स बनाने की, तो उसके अलग रिपरकशन है, इम्पॉर्टेंट है, उससे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। अगर आप टॉयलेट में ही टॉयलेट करने जा रहे हैं तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को इफेक्ट। हमारे यहाँ कोई नॉर्म नहीं है, आप एक ही ब्रांड के कपड़े, सपोज मैं कपड़ों की बात करूँ, तो एक ही ब्रांड के ना डिफरेंट साइज के कपड़े हैं एक ही नंबर पे। आप अगर 40 साइज की शर्ट पहनते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो दूसरी 40 साइज की होगी वो सेम साइज की होगी, उसकी फिटिंग सेम होगी, चाहे उस पर स्लिम फिट लिखा हो या रेगुलर फिट लिखा हो। तो बहुत कुछ पे अगर आपको डिसीज और हेल्थ को देखना है, तो हर जगह हमारा दिमाग चेंज होने की जरूरत है, और सब अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट करूँ। हम ये नहीं कि हम गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे हैं, या हम दूसरे में ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दूसरे की कमी निकाल रहे हैं, तो ये एक बहुत जरूरी है सोसाइटी के लेवल। क्योंकि जैसे इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज है, और यूएनओ ने जो प्लान्स दिए हैं उनको कोशिश कर रहा है अप्लाई करने की, लेकिन वो तब तक सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे जब तक हम उनको ग्रैब ना करें या गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्लाई ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे काम कर भी रही है, बट जैसे कि आप बोलते भी हैं कि गवर्नमेंट भी तब तक क्या करेगी जब तक हमारी खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, गवर्नमेंट ना कोई भी नॉर्म्स बना सकती है, आपके लिए डाल सकते हैं, बट गवर्नमेंट आपकी हैबिट नहीं बना सकती। ठीक है, हेल्थ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपकी हैबिट से रिलेटेड है। सारे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं मौसम चेंज होने पर, सारे लोगों पर सोशल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं डालते हैं, सब कुछ हमेशा से है। आज थोड़ा सा ज्यादा इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और एडवांसमेंट तो आ ही रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट ये सारी चीजें पहले भी थी, पहले भी इन्फ्लुएंस्ड होते थे लोग। अब क्या है कि गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे सर भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट कभी आपकी हैबिट बनाने नहीं आएगी। गवर्नमेंट एक सुविधा केंद्र बना दिया, जाना तो आप ही को पड़ेगा, मानना तो आप ही को पड़ेगा। अभी थोड़ा ना है कि वो आपको घर में से भी हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे, चलो एक दो बार कर भी दिया ऐसा, तो फिर भी जब आपको हैबिचुअल नहीं होंगे उस चीज के कि मुझे ये चीज करनी है, तो नहीं, मतलब आप कैसे हेल्दी रहोगे। और एक दो दिन का थोड़ा ना है कि आपने 4 दिन घर का खाना खा लिया तो आपको जिंदगी भर की हेल्थ मिल गई, ऐसा नहीं होता। आपको रोजाना फॉलो करना पड़ेगा, रोजाना करना पड़ेगा आपको, जब तक आपको हेल्दी रहना है, जब तक अच्छी हैबिट्स को अपना रहिए। जिस दिन आपको मन उठ जाए कि दुनिया से जाने का मन करे, आदत बदल लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए, आदत अगर आप बदलेंगे तो नुकसान आपका ही होगा,
और जो भी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं जो है आपके माइंडसेट से होकर जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैम ने बोला कि नेचुरल जो चीजें हैं आपको उनसे जुड़ना होगा, जब आप नेचुरल चीजों से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल की तरफ आप अपने कदम बढ़ाएंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ को देखेंगे, मेंटल हेल्थ को देखेंगे, तो बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अभी ये टॉपिक यहाँ पर खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सोशल फैक्टर हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं और वजह से हम बीमारी से किस तरीके से बचते हैं, इन्हीं सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें इनबॉक्स जरूर कीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।